नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। 42 दिन तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया। पहले कॉमेडी और फिर पॉलिटिक्स में सफल रहने वाले राजू यूपी में लखनऊ कानपुर के बीच उन्नाव में फिल्म सिटी बनाना चाहते थे। सपा और फिर बीजेपी सरकार में पैरवी भी की, सिर्फ यही नहीं कुछ और भी ख्वाहिशें थीं जो उनके साथ चली गईं। ख्वाहिश नंबर एक में वे सांसद बनकर कानपुर के लिए काम करना चाहते थे। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव के मित्र ज्ञानेश मिश्र ने कहा, राजू ने 2012 में चुनाव लड़ने का मन बनाया था। उस दिन सपा के मुखिया मुलायम सिंह से उनकी काफी नजदीकी थी। मुलायम ने उनको प्रयागराज के फूलपुर, कानपुर या उन्नाव में से किसी एक जगह से लोकसभा की तैयारी के लिए कहा था। इसमें राजू ने कानपुर चुना। उन्होंने कानपुर पर मेहनत शुरू कर दी, मगर सपा नेताओं से सहयोग नहीं मिला। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में वे भाजपा में शामिल हो गए। उनकी सांसद बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। ख्वाहिश नंबर दो की बात करें तो वे उन्नाव में फिल्म सिटी का सपना देख रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि राजू के बचपन के मित्र श्याम शुक्ला बताते हैं कि प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाए, इसे लेकर राजू बहुत प्लानिंग करते थे। सपा सरकार में कई बार मुलायम और अखिलेश से मिले। जब 2017 में योगी सरकार आई तो उन्होंने अपनी इस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने की फिर से शुरुआत की। प्रस्ताव सरकार के टेबल तक पहुंचा। इसमें उन्नाव में फिल्म सिटी बनाने की योजना थी, इसे लेकर राजू काफी उत्साहित भी थे। ख्वाहिश नंबर तीन की बात करें तो राजू कुमार विश्वास के साथ कॉमेडी कविता शो करना चाहते थे। ये बात 2014 की है। श्याम शुक्ला बताते हैं, राजू कवि कुमार विश्वास के साथ एक टीवी शो करने वाले थे। इसमें हास्य और कविता का कॉकटेल होना था। ये अपने आप में एक तरह से नया प्रयोग था। इसमें लोगों को कुमार विश्वास की कविता के साथ हास्य का तड़का भी मिलना था। इस शो के लिए एक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ बात भी लगभग फाइनल हो गई थी, मगर ये टीवी शो किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया। ख्वाहिश नंबर चार की बात करें तो राजू कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए। श्याम शुक्ला बताते हैं कि कड़े संघर्ष के बाद मंजिल पाने वाले राजू नए कलाकारों के लिए चिंतित थे। वे नए कलाकारों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना चाहते थे जिससे नए आर्टिस्ट की राह आसान हो। वे नई प्रतिभाओं को मौका देने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस से भी बात की। शहर के कई कलाकारों को टीवी और फिल्मी दुनिया में पहुंचाने में राजू ने सहयोग दिया। ख्वाहिश नंबर पांच की बात करें तो राजू कानपुर में बड़ा सरकारी अस्पताल बनाना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक दोस्त ज्ञानेश मिश्रा ने बताया, 6 साल पहले अस्पताल ले जाते वक्त राजू की माँ का निधन हो गया था। कानपुर दक्षिण में कोई बड़ा अस्पताल नहीं होने की वजह से उनको इलाज नहीं मिल पाया था। इलाज के अभाव में अपनी मां की मौत से दुखी राजू साउथ कानपुर में हेल्ट जैसा अस्पताल चाहते थे, ताकि किसी मरीज की इलाज के अभाव में मौत ना हो। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कई प्रयास भी किए। विधायक और सांसद से भी इसके लिए लगातार बात भी की थी, पर वो सफल ना हो सके। ख्वाहिश नंबर 6 की अगर बात करें तो राजू ज्वाइंट फैमिली बचाने के लिए एक मुहिम चलाना चाहते थे। पूर्व विधायक अजय कपूर बताते हैं, अक्सर राजू टूटते संयुक्त परिवारों को लेकर चिंतित रहते थे। मैंने बिठूर में वृद्धा आश्रम शुरू किया था, इस पर राजू काफी दुखी थे। राजू परिवारों को जोड़ने से जुड़ी एक मुहिम चलाना चाहते थे। इसमें राजू का मकसद था कि संयुक्त परिवार बढ़े, बुजुर्ग दादा दादी और माता पिता को घर में सम्मान मिले, उनको वृद्धाश्रम न भेजा जाए। इसके लिए राजू ने संस्कार शाला के कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित करने का प्लान बनाया था। इसमें खुद भी सक्रिय भूमिका में रहने की बात कही थी। राजू की ये 6 ख्वाहिशें और अन्य भी ख्वाहिशें राजू के साथ अलविदा कह गई हैं।